यहाँ से बोर्ड तो 400 बोर्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ से एक से ज़्यादा बोर्ड टूटा है और कितना बोर्ड पानी में गिरा भी है। और ऐसा बता सा है तो सब कुछ सोचा कि ऐसे पूर्व से दक्षिण से इसे बता साएगा, लेकिन उसका विपरीत का देख यहाँ दक्षिण से और पश्चिम से बता थोड़ा है, इसलिए बहुत दिक्कत लगा। कितना बोर्ड भी गिरा है, खर्चा आपका अगर आप एक बोर्ड का अपने वो एक बोर्ड का मिनिमम 1-1.5 लाख का खर्च हो जाएगा, तक सामान वामान किन के लिए और टूटा फूटा जो जितना है सब सारी सामान कंप्लीट करने के लिए मिनिमम। और जो बड़ा बड़ा बोर्ड है तो वो तो बहुत 2-4 लाख का, उसका इंजन का कीमत है 14-15 लाख ऐसा है, इसे बहुत बहुत दिक्कत है। बहुत इतना हैरान है कि जितना वो बताया था फोनी उस कागज में आया था वो इतना यहाँ से आया था, नहीं नुकसान नहीं होता, नुकसान नहीं होता। अच्छा कितनी हवा होगी, कितनी तेज हवा? तेज 120 से 155 60 ऐसे होता। प्रभाव तो ज़्यादा पड़ गया, तो इधर है 500 बोट 300 बोट में टूट गया। अभी तक यदि कुछ प्रशासन में कुछ फाइनेंस नहीं करा, यदि प्रशासन फाइनेंस किछ करा हम लोग को परिचालन मदद मिले। बोट इधर बेस में पका के 500 है, तो 500 पर जे जिसको गवर्नमेंट का नियम अनुसार के ये फिशिंग अभी तक बंद है, 2 मास बंद है ब्रीडिंग सीजन, मछली का ब्रीडिंग सीजन, जिसका बोट में स्टाफ नहीं रहा, जो और टाइम में आया बात क्या इधर जहाँ पर मैं ठिया हुआ एक दिन कल सकाल में 6:30 टू जे पवन हरा हरे 160 किलोमीटर कि 150 किलोमीटर उधर उधर जाने के सपोर्ट के लिए बहुत मुश्किल था। तो जिस दिन बोर्ड देखा अभी तक सब लॉन्चिंग करा उधर सब साइड में टूट गया, बहुत टूट गया किचकू और किसु महंगा होंगी क्या। तो कितनी बोट होंगे आसपास टूट गए होंगे आप लोगों के? टूटा पखा पखी 300 पखा पखी टूट गया। तो गवर्नमेंट के लिए ओड्राफ टीम था, तहसीलदार था, पवन के लिए वर्षा के लिए कोई कुछ काम नहीं करता साथ। अच्छा तो आप कुछ डिमांड करना चाहेंगे सरकार से? सरकार तो बहुत हेल्प करे, सरकार का ही बहुत डिमांड अच्छी। मछली का हमार संस्था है, मछली का संस्था फिशरी फिशरी वाला संध्या जा सकाल काली पहर दिन आसते काली कहीं आसी ना आउ खाली देखिकी बुलिकी पल कि आम कि सरकार जदि साहय करते आम तेने उपकृत हूँ। एटा ओडिशा में भद्रक डिस्ट्रिक्ट भद्रक बाजदेवपुर ब्लॉक चूड़ामणि बेस इसको नाम है।